हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो मेरी पहली पेड जॉब थी वो कैसे मिली थी और वो क्या जॉब थी। जैसा कि पिछली वीडियोस में बताया था, यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ, फिर 3 से 4 माह अनपेड इंटर्नशिप की NSN में। उसके बाद मैं दिन रात अप्लाई करता रहता था ऑनलाइन, और फिर एक दिन मुझे कॉल आई वतन सर्व से कि आपकी हमें CV मौसूल हुई है, आप आ जाएं ऑफिस। तो मैं चला गया उनका, नॉर्थ नाजमाबाद वाली साइड पे कहीं ऑफिस था। वहाँ गए तो PM साहब से मुलाकात हुई। तो PM साहब ने बताया कि जी भाईजान, आपका CV मिला है और इस तरह हमें बंदा चाहिए। हमारी कुछ रोल आउट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं नॉर्दर्न बाईपास पे, ये गवादर वाली साइड पे, 0 पॉइंट से उथलम और अगोर उमारा हिंगोल नेशनल पार्क। हमने कहा ठीक है भाई, चले जाते हैं, काम चाहिए। क्योंकि उस वक्त, क्योंकि जैसा मैंने बताया, मैं तो लिखता था आई डू नॉट हैव एनी इशू ऑन लोकेशन और सैलरी और एनीथिंग, आई नीड अ जस्ट वन चांस। तो उन्होंने कहा कि आपकी जो सैलरी होगी वो 3,000 होगी। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, तरक्की है, पिछली अनपेड थी, 0 थी, अभी 3,000 मिल रहे हैं, चलो अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू करते हैं। काम शुरू हुआ, उनसे पूछा भाई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उन्होंने कहा कि भाईजान ये 9 से 10 बंदों की टीम है, ये 30,000 रुपये हैं, मटेरियल डिलीवर हो गया है, इनमें टेक्नीशियन और रिगर्स हैं, आपको TI की इंस्टॉलेशन, टेलीकॉम इंस्टॉलेशन करवाते हुए आगे मूव फॉरवर्ड होना है, और प्लस में मेरे साथ फ़ोन पे कोऑर्डिनेशन में रहना है कि कौन सी साइट हुई है, अब आगे कौन सी साइट पे जाना है। और एक फ़ोन दिया गया, एक लैपटॉप और एक वो जो होती है वैगन, उसमें ड्राइवर समेत हमें दे दिया गया और हाथ में रख दिए 30,000। बोला कि गाड़ी में तेल और लोगों का फ्यूल, यानी खाना, 2 वक्त की चाय, 3 वक्त का खाना, इस 30,000 में से पूरे करते रहना और लिखते जाना और PM के साथ कोऑर्डिनेशन में रहना, दिस इज़ योर जॉब। काइंड ऑफ, यानी आसान उर्दू में बोले तो मुंशी की जॉब। चलें भाई, हमने खुशी खुशी बिस्मिल्लाह की और हम सामान बैकपैक में बांध के निकल पड़े। तो उस वक्त काफ़ी एक्साइटेड था क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग का शौक था। चले भाई, 0 पॉइंट से शुरू हुए, एक साइट की, दूसरी की। जैसे जैसे बलूचिस्तान में हम आगे जाते जा रहे थे तो पानी नायाब होता जा रहा था, ईरानी पेट्रोल सस्ता में होता जा रहा था, प्लस में वहाँ पे कोई प्रॉपर अकोमोडेशन नहीं मिल रही थी, होटलिंग नहीं थी। तो हमें कहा कि अरेंज कर लो बस। तो भाई क्या हुआ, रात को सोने के लिए जो बबल रैप होती है, प्लास्टिक शॉपर, वो बिछा के सोते थे, जो कि BTS रैक्स वगैरह को रैप होके आती थी। सोने के बाद, रात को तो चले सो गए सारे दिन के थके हुए, सुबह को जब उठते थे तो हवा में वो कहीं और उड़ के चली जाती थी और हम मिट्टी पे सोए हुए होते थे। मैं भी उनमें से एक ही था। चले सुबह को उठे, फिर हाथ मुंह धोया, फिर निकल पड़े पीने के लिए। हिंगोल नेशनल पार्क के पास एक दरिया है, वहाँ से पानी भरते थे, आगे जाते हुए भी पीछे आते हुए भी 2-4 कुएं थे, वहाँ से पानी भर लेते थे। इस तरह वो 8 से 10 दिन गुजारे। उसके बाद जब मैं उमाड़ा पहुंचा था, वहाँ पे हमने लास्ट साइट की, तो अचानक कॉल आई कि भाईजान बस वापस आ जाए, आगे की साइटों का, पसनी वगैरह का, वहाँ का मटेरियल अभी डिलीवर नहीं हुआ, आप वापस आ जाओ। हमने कहा चलें ठीक है। तो ये प्रिंस ऑफ होप वगैरह ये वो सब चीज़ें देखी, और ये बात है 2009 की, अप्रैल मई 2009। तो हम वापस आ गए। तो ये किस्सा शेयर करने का मकसद ये था कि ये वो दिन भी देखे थे कि सोने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए सिर्फ लौकी मिलती थी, सब्जी या
गोट का गोश्त रोश जो होता है, और बलूचिस्तान के स्टाइल वाली बड़ी बड़ी रोटियां। लेकिन हमने किसी से गिला शिकवा नहीं किया, सिर्फ अल्लाह को कहते थे या अल्लाह मदद बस, और कूद पड़ते थे खुशी से काम किया। बस यही था आज का किस्सा। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।